भागलपुर व्यवहार न्यायालय में नॉन जुडिशियल स्टाम्प की कालाबाजारी मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें स्टाम्प की कालाबाजारी पर रोक लगाने के साथ दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की है। वहीं इस संबंध में DM ने सख्त कार्रवाई करने की बात कहते हुए कहा कि टीम गठित कर इस मामले की जाँच कराई जाएगी और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिवक्ताओं ने कहा कि उन लोगों को 1,000 रुपये का स्टाम्प 1,500 में खरीदना पड़ता है, तो आम लोगों को स्टाम्प कितने रुपये में मिलता होगा और लोग कितने परेशान होंगे यह समझा जा सकता है। अधिवक्ताओं ने कहा कि आम लोगों को 1,000 का स्टाम्प 5,000 रुपये तक देकर खरीदना पड़ता है, जो अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। इधर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता नितेश निखिल, अतुल कुमार, अंकित राज, मोहम्मद फैयाज और विक्रम कुमार समेत कई अधिवक्ता शामिल थे। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से RPF जवान की बेरहमी से पिटाई का वायरल वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज प्लेटफॉर्म पर लखनऊ के कांवरियों का जत्था जब विश्राम कर रहा था, तभी अहले सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर विश्राम कर रहे कांवरिया सियाराम पाल की RPF के जवानों द्वारा जमकर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। वहीं घटना को लेकर घायल कांवरिया ने बताया कि अपने परिवार के साथ वह सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर विश्राम कर रहा था, तभी RPF के 3 जवानों ने लाठी चार्ज करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया। इधर RPF के जवानों का कहना है कि लखनऊ से आया कांवरिया सियाराम पाल स्टेशन परिसर में उपद्रव मचाते हुए हंगामा कर रहा था और रेल यात्रियों पर भी ईंट पत्थर से हमला कर रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर वो सभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचे और कांवरिया सियाराम पाल पर बल का प्रयोग करते हुए उस पर काबू पा लिया और हिरासत में लेकर कांवरिया को भागलपुर रेलवे न्यायालय भेज दिया गया। साथ ही कहा कि इस दौरान RPF जवान AK सिंह, RK मीना और PK हल्दर भी घायल हो गए हैं। भागलपुर के सिटी DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में अपराधियों की धरपकड़ और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने को लेकर अभियान चलाया गया, जिसकी शुरुआत शहर के खंजरपुर SM कॉलेज रोड से की गई, जहां पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान मंचलों को भी पकड़कर जमकर क्लास लगाई गई। वहीं इसको लेकर सिटी DSP अजय कुमार चौधरी ने कहा कि शहर में होने वाली चोरी डकैती और छिनतई के मामले को देखते हुए उस पर लगाम लगाने के लिए लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि SSP आनंद कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक DSP और स्थानीय थाना की पुलिस बलों के साथ SM कॉलेज रोड में रोको टोको अभियान चलाया गया, जहां संदिग्ध अवस्था में आने जाने वाले बाइक सवार को भी रोककर उसकी तलाशी और पूछताछ की गई। रूटीन वर्क की तरह और दिनों की भांति आज भी हमारा ये अभियान चल रहा है, जिसमें हमारे साथ DSP ट्रैफिक है, DSP लाइन है, लोकल थाने की पुलिस है और वही जो भी संदिग्ध हैं, जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और छिनतई, रंगदारी, लूट की घटनाओं जो बढ़ रही है, उस संबंध में जो हमारा अभियान चल रहा है, उसी क्रम में आज SM कॉलेज महिला कॉलेज है, उसमें जो लड़के छेड़खानी करते हैं उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जो लोग बिना वजह के घूम रहे हैं या फिर जो लोग संदिग्ध स्थिति में बाइक ले जा रहे हैं, तेजी में ले जा रहे हैं, खास करके जो छोटे लड़कों को बाइक दे देते हैं बिना लाइसेंस के हैं या फिर अपने चलाते हैं विदाउट केयरिंग, बिना हेलमेट के ट्रिपल लोड लेकर चलते हैं, वो बाइकर्स नहीं होना चाहिए। चार चक्का चलाते हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अपने ट्रैफिक नियम का मतलब केवल गाड़ी चलाना नहीं है, उसको दूसरे आदमी को इनकन्वीनियंट नहीं हो और सुविधा नहीं हो, इसलिए आप अपना बाएं लाइन में चलें। कहीं गाड़ी लगाते तो आप जितना ही रोड है उसमें आप भरसक प्रयास करें कि एकदम लेफ्ट दें, ताकि दूसरे को जाने में असुविधा नहीं हो। मेरा नाम नंद कुमार चौधरी है, मैं यहाँ सिविल कोर्ट में नौकरी करता था, अब मैं सेवा से निवृत्त हो गया हूँ। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट पिछले 3-4 साल से था, जो कि इलाज हर जगह कराया, बेंगलोर कराया, भागलपुर कराया। उसके बाद मेरा जो है इलाज करने के दौरान जो है कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था। इसके उपरांत जो है मैं बहुत चिंतित और परेशान रहता था। उसके बाद मुझे भागलपुर में पता चला कि डॉक्टर AK राय हैं,
जो आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट जो है ठीक होके गए हैं। तो मैं भी यहाँ आकर के अपना इलाज कराया। इलाज कराने के एक सप्ताह के बाद मेरा जो है शुगर का बीमारी कम हो गया। उसके बाद फिर मैं 3 महीना लगातार इलाज करा। चौथा महीना में इस बीच में जो है मेरा सारा अंग्रेजी दवाई बंद हो गया। मेरा 21 दिन से दवा बंद है और मैं अभी 21 दिन के बाद जो है खाना पीना खाने के बाद जो है मेरा अभी रिपोर्ट नॉर्मल है और मैं ठीक हो गया हूँ। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। मांझी चौक स्थित दुर्गा मंदिर के समीप फुटकर दुकानदारों को तिलकामांझी थाने की पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर फुटकर दुकानदारों ने तिलकामांझी पुलिस द्वारा उन सभी को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन सभी दुकानदारों के पास वेडिंग जोन में दुकान लगाने का लाइसेंस है जो उन्हें नगर निगम प्रशासन से दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके तिलकामांझी थाने की पुलिस अक्सर उन सभी को परेशान करने पहुँच जाती है और इस दौरान पुलिस वालों के द्वारा दुकान का सामान भी फेंक दिया जाता है। वहीं दुकानदारों के साथ तिलकामांझी थाने की पुलिस द्वारा की गई मारपीट की घटना को लेकर आक्रोशित फुटकर दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसा व्यवहार होता, हम गरीब व्यक्ति, हम लोग को आई कार्ड और नगर निगम से प्रमाणित सब चीज किया गया, उसके बाद ही पुलिस प्रशासन आता, कोई जरा सा भी विचार नहीं करता सर, एकदम पूरा सामान को लाठी से डंडा से उड़ देता, पैर भी पकड़ते हैं, उसके बाद भी सुनवाई नहीं करता, हम लोग को साथ बहुत व्यवहार गलत कर। क्या हुआ? आज वही हुआ सर, दुकान कल से जो रातें से जो करीब 8 बजे रात में अभी आ करके सर, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, सारा दुकान को उलटा दिया सर लाठी से उड़ उड़ कर। आज वही सामान तमान छीट दिया, चूर चार दिया, लाठी चलाया, मारा हमको। दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक नागेंद्र कुमार गुप्ता ने अपने भागलपुर दौरे पर बैंक के वरीय पदाधिकारियों और सभी शाखा प्रबंधकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान शहर के एक निजी होटल में की गई बैठक के दौरान महाप्रबंधक गुप्ता ने सभी शाखा प्रबंधकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने की बात कही। GM ने समीक्षात्मक बैठक को लेकर कहा कि शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगहों पर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभुकों को मिले, यह उनकी प्राथमिकता में है, जिससे व्यक्ति के साथ देश और राज्य का विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सके। इसके अलावा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के महाप्रबंधक ने RM समेत सभी शाखा प्रबंधकों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए ग्राहकों की हर सुविधा का ख्याल रखने और बैंक के व्यवसाय को बेहतर करने की बात कही। मैनेजर्स थे, उसको हमने बुलाया था, समीक्षा बैठक कह सकते हैं इसको। इसमें डिफरेंट जो हमारे टारगेट है उसमें क्या पोजीशन है सितंबर के मुकाबले में, और सरकार के द्वारा आयोजित जितने भी स्कीम्स है जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कहाँ पीछे हैं और इसको कैसे पूरा किया जाएगा, उसकी हम लोगों ने समीक्षा की है।
और सभी प्रबंधकों को हमने ये बताया है कि चूंकि ये सरकार प्रायोजित काम है और इसको घर घर तक पहुंचाना है तो कोई भी इसमें बेनिफिशरी छूटा नहीं रहे, खास करके ऐसे किसान जो कि पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरी है उसको हम लोग 100% केसीसी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे पीएम स्वनिधि के बेनिफिशरी है वो किसी भी हालत में किसान के जो ऋण योजना है उसे वंचित ना रहे। उसके लिए सभी मैनेजर को हमने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिया है कि सबसे व्यक्तिगत रूप से मिले और इस स्कीम के तहत किसान को बेनिफिट दे और इस क्षेत्र में बैंक की तरफ से जो एक सैचुरेशन का स्थिति है वो पूरा कर ले, मतलब कोई भी किसान इसे अछूता ना रहे। ये हमारा पहला प्रयास है। साथ में हम लोगों ने बैंक के माध्यम से एक किसान या कह सकते हैं कि ग्रामीण लोगों के लिए हाउसिंग योजना 3 तरह के हम लोगों ने चालू की है और उस योजना के तहत ये ग्रामीण बैंक दक्षिण बिहार ग्राम बैंक के तरफ से चलाया गया एक तरह का पहला इस तरह का स्कीम है जो गांव के लोगों के लिए स्पेशल स्कीम लाया है जो कि हाउसिंग लोन प्रदान करेगा। जो छोटे लोन गांव के लोगों को बड़े ऋण की आवश्यकता नहीं होती है, छोटे ऋण चाहिए 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7.5 लाख, तो उन सेगमेंट को हमने पकड़ा है कि लोग इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो और अपना घर बनाए और सरकार के को जो सभी लोगों को पक्के मकान देने की जो योजना है उसमें हम भागीदार बने बैंक के माध्यम से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी शिक्षिका प्रोफेसर डॉक्टर किरण सिंह ने विश्वविद्यालय पेंशन विभाग के एसओ शैलेश चक्रवर्ती और संगीत विभाग की वर्तमान विभागाध्यक्ष डॉक्टर निशा झा पर गंभीर आरोप लगाया है। प्रोफेसर किरण सिंह ने कहा कि 1 माह 14 दिन पहले वो रिटायर हो चुकी है लेकिन अब तक उन्हें पीएफ का पैसा भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके एरियर का फाइल कई साल पहले क्लियर हो चुका था लेकिन कमीशन नहीं देने के कारण शैलेश चक्रवर्ती के द्वारा फाइल को गायब कर दिया गया है जिससे उन्हें एरियर का भी पैसा नहीं मिल सका है। इसके अलावा उन्होंने संगीत विभाग की एचओडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान विभागाध्यक्ष पर उन्होंने सेवा में रहते हुए गबन का आरोप लगाया था लेकिन उस मामले की भी जांच नहीं हुई, जबकि रिटायर होने के बाद संगीत विभाग की एचओडी द्वारा उनके पीएफ का कागज बैंक को नहीं भेजा जा रहा है। साथ ही पेंशन विभाग के एसओ पर प्रोफेसर किरण सिंह ने गंभीर आरोप लगाया और इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए जब वो TMBU के VC प्रोफेसर जवाहरलाल से मिलने कुलपति आवास पर पहुंची तो वहां भी कर्मचारियों द्वारा उन्हें कुलपति से नहीं मिलने दिया गया।